So welcome for today's class of B.Ed. And today's question is taken from uh, today's topic. I can say from this is uh, from chapter childhood and growing up. Okay, that is the main this thing. And the concept is coming under um, principle of uh, growth and development. This is one of the principle. Okay, in the previous two lectures, I have already explained you all separately. That is uh, principle of uh, concrete to abstract thinking and second it was principle of continuity and this is the principle of individual difference so let me explain you all about this so it is coming under principle of growth and development and this is one of the principle of individual difference okay have you understood this part next so लेट मी आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली ओके बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है एक इंडिविजुअल ओके अलग अलग वो इंसान सेम नहीं होते दो इंसान सेम नहीं होते हैं इंडिविजुअल की आइडेंटिटी ही रहती है ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ओके द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस डी नोट देट एवरी इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल और चाइल्ड ओके इंडिविजुअल जो बच्चा रहता है एक हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग उसके जो थिंकिंग है वो अलग रहती है कि एक एग्जांपल लेती हूँ दो बच्चे ओके दो बच्चे लेती हूँ ओके ओके दे आर टू चाइल्ड्स राइट सो इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अलग रहेगी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो अलग रहेगी अलग अलग ओके सो ड्यू टू सोशल सोशल साइकोलॉजिकल फिजिकल एनवायरमेंट साइकोलॉजिकल मतलब जो उनके दिमाग में जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस रहेगी और उनके एनवायरमेंट में लोग कैसे होंगे लाइक like, वे दे स्टे दिस जहाँ पर वो रहते हैं ओके okay? अलग अलग जगह पर रहते हैं और सेम जगह पर भी रखो तो उनकी सराउंडिंग और उनके एनवायरनमेंट कैसे रहेगी उस पर भी वो डिपेंड करता है ओके एंड आल्सो फाइनेंशियल फैक्टर्स आल्सो इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल फैक्टर्स फाइनेंशियल फैक्टर्स मतलब Uh, एक बच्चे के पास पैसे ज़्यादा रहते हैं एक बच्चे के पास कम होते हैं कोई गरीब बच्चा होता है कोई अमीर बच्चा होता है सो so, वो उस पर भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंस ओके हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये बच्चा अमीर है ये बच्चा गरीब है ओके द पर्स वन चाइल्ड इज़ रिच वन चाइल्ड इज़ पुअर सो वी कैन डिफ्रेंशिएट राइट सो इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स सो The individual difference vary according to the stage of the development और वो स्टेज ऑफ डिवलपमेंट पर भी डिपेंड करता है ओके स्टेजेज हा वो कैसा कैसा बड़ा होता है उसकी सराउंडिंग मतलब उस एनवायरमेंट मतलब वहाँ पर जो स्टे करता है उसके साइड भी लोग कैसे हैं और उनकी जो सोसाइटी वगैरह है वो कैसे हैं लाइक like, कैसे रूल्स डेवलप हैं वहाँ पर उस पर डिपेंड करता है सो so, लाइक मी रीड इड अगेन द प्रिसिपल ऑफ इंडिविजुअुअल डिफरेंट इन ऑडेड एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग उनकी जो दो बच्चे सेम एक ही तरह नहीं सोच सकते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग रहेगी ड्यू टू दोशल क्यों ये रीज़न्स बताएँ सोशल साइकोलॉजिकल फिजिकल एनवायरमेंट एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स ए रीज़न्स हैं जिनके वजह से दो बच्चों की ओ एनी लाइक बच्चे जो हैं इंडिविजुअल जो रहेंगे उनकी जो थिंकिंग रहेगी वो अलग अलग रहेंगे रीजंस ये बताए गए हैं दिस इंडिविजुअल डिफरेंस वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैसे कैसे वो बड़े होते हैं किस माहौल से माहौल में और एवरीथिंग सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इफ़ यूल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग यू आर कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यूल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू आर कैन एनी टाइम यू आर कैन कमेंट बिलो ओके अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बोल बता सकते हैं और लाइक like, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग